पर डील सर है उसके कुछ ना कहते हुए वीडियो डायरेक्ट पॉइंट में आती क्योंकि भैया का उतना टाइम नहीं है मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। सो भैया नमस्कार, स्वागत है आपको डारिन ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। भैया आपका नेम क्या है? मेरा नाम है वाल्टर मेंस। वाल्टर मेंस, वाओ, मतलब बहुत अलग के डिफरेंट टाइप का नाम है, ये नहीं बोलता ना। बहुत बढ़िया नाम है और अच्छा है। ऐसे कितना बड़ी हैप्पी है अभी? हाँ हैप्पी है, ऑर्डर आने से हैप्पी है। आप ऑर्डर करते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। एक दिन में कितना जैसा ऑर्डर आ जाता है? एक दिन में तो पैरों के हिसाब से अलग अलग है। कोई कोई लोग 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर भी लेके जाते हैं, मेरे इधर ज्यादा नहीं 50 ऑर्डर आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अपना अपना रोड का हिसाब से आ जाता है। और मिनिमम ऐसे वन ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना रुपया जैसा मिल जाता है इसमें? एक ऑर्डर का 40 रुपया मिलता है डिलीवरी करने पे। डिलीवरी ना हो तो नहीं मिलेगा, अगर जैसे कि अभी आप लेने आए हैं, अगर आप नहीं लोगे इसको तो मुझे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, वैसे ना सैलरी हिसाब से नहीं है, डिलीवरी हिसाब से। वैसे इसका सैलरी क्या, वीकली सिस्टम ना? मतलब वीकली सिस्टम है। अच्छा वीकली सिस्टम ना। वैसे आपने ऐसे लास्ट वीक ऐसे कितना आपका जो स्टोर में ना सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला कितना जैसा अर्निंग कर सकते हैं? कर लेते हैं जो जो ऑटो में जो जो मारते हैं 150-200 ऑर्डर करते हैं वो लोग इसे 70,000-80,000 मंथली। हाँ मंथली उठा लेते हैं। अच्छा मंथली 70-80,000 ना? हाँ हाँ, मतलब एक ऑर्डर का 40 रुपीज़ हो गया तो पर डे में हम लोग 100 ऑर्डर पकड़ के चल रहे हैं नॉर्मली। वैसे आप लोग काउंट कर लेना भाई और कमेंट में मुझे भी बताना। और इसमें वैसे किसी को कुछ पता नहीं हो तो इसमें ज्वाइनिंग होने के लिए कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे ज्वाइनिंग होना है? इसके पहले आपने ओला उबर सॉरी ये स्विगी जोमेटो में किसी में नहीं किया? मैं क्या हूँ जोमेटो में, क्या हूँ बेंजो में, क्या हूँ और जेप्टो में, क्या क्या सब तरह से सब कुछ करके आप अभी रोड से में ज्वाइन हो गया? हाँ डील से। सॉरी डील से। हाँ डील से, मैंने शायद पहले भी डील रोड से कहा होगा पर डील से है उसके 7,000 अर्निंग कर सकते हैं वन वीक में। हाँ, कर सकते हैं। और इसमें सर इसमें ड्यूटी का टाइम टेबल कैसे रहता है? इसमें कितना आवर समय मिनिमम लॉगिन ऐसा कुछ रहना पड़ता है? लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं है, बस आप हब में सारा सामान रहता है, हब गए सब सामान उठाएं फिर बस डिलीवरी करना है। बिल्कुल 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 जी हाँ। वैसे कितना आवर्स इसमें लॉगिन रहना पड़ता है? मतलब मिनिमम तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे काम करने के लिए। हाँ सुबह कितना बजे निकलते हैं, शाम कितना बजे? जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 30 ऑर्डर है तो आप अगर 12 बजे ऑफिस पहुंचते हो सामान वामान लेके 2 घंटा में निकलोगे तो 4 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। 4-5 घंटा में 7-8 घंटा पकड़ के चलिए, 8 घंटा पकड़ के चलिए जी ठीक है, 40 ऑर्डर आराम से डिलीवर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी जैसे कि आप अभी यहाँ पे कितना दूर से आए, मतलब अभी आपको जो ऑर्डर देने के लिए आए हो कितना दूर? नहीं यहाँ से ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर आया। 3 किलोमीटर ये एच एस एलिवर्ड वाला है क्या? हाँ। ओह अच्छा अच्छा, मतलब वैसे एक ऑर्डर लेके कितना दूर तक जाना पड़ता है इसमें? अभी यहाँ से जाऊंगा मैं कम से कम, और जाना है मुझे 7-8 किलोमीटर जाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कालमेला राम तरफ जाना है जी जी जी। बोलते जाना है। आपने तो ऐसे बहुत सारा आइटम लेके आया है। हाँ। मैंने तो आपको ऊपर ही बुला के, मैंने पूरा स्टूडियो है मेरा ऊपर में, बढ़िया से बैठ के बनाएंगे। जा सकते हैं लेकिन सही बात है। फिर आप कभी दिन इस रास्ते से आइएगा तो हमको कॉल कीजिए, मैं खाना पीना खा लेंगे इधर ही बढ़िया से, इधर बैठ के जाना है एक दिन ठीक है। और इसमें दूसरा चीज जो है ना, ज्वाइनिंग के लिए कुछ फी पड़ता है क्या? नहीं नहीं ज्वाइनिंग के लिए कोई फी नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट इसमें हॉब में जाकर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाना पड़ेगा। और आपको ये स्विगी जोमेटो ये दूसरा से सबसे अभी बेटर क्या लोड शेयर में लग रहा है अभी? फिलहाल तो अभी लोड शेयर में लग ही रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा फिलहाल उसमें तो अपने ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, उसमें रात रात काम करना पड़ता है। अगर अच्छा इनकम करना है तो रात को काम करना पड़ता है क्योंकि रात को काम करने से उसमें इनकम ज्यादा है जी। पर उसमें हम लोग जितना स्विगी जोमेटो में अगर हम लोग 15 घंटा रह के जितना हम लोग वन वीक में अर्निंग करते हैं, इसमें 8 घंटा ड्यूटी करके उतना अर्निंग हो जाता है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बहुत जल्दी में हो गया ना। और ठीक है, मैंने ले लिया है ये 3 परफ्यूम है, मैंने सिर्फ आपको बुलाने के लिए लिया हुआ है ये परफ्यूम। मैं लॉर्ड सिल के बारे में जानना चाहता था। मतलब गाइस इसमें समझने वाला बात यही है कि मतलब दिन में अगर 7 घंटा ड्यूटी करते हैं तो वन वीक में 7,000 मान के हम चलेंगे, 7×7=14,000। अगर हम दिन में 7 घंटा काम करते हैं इसमें मंथली 48,000 अर्निंग तो कंपलसरी गारंटी है, क्योंकि भैया ने बोला जो ऑटो में जो टेम्पो में करते हैं वो 70,000 तक अर्निंग करते हैं। 70,000 तक अर्निंग मतलब वन वीक में मतलब 12,000-15,000 जैसा अर्निंग
हो जाता है जो ऑटो में करते हैं, और जो हम लोग टू व्हीलर से करते हैं, टू व्हीलर का मतलब 1 वीक में 7 hours ड्यूटी करके हम लोग 7000 अर्निंग कर सकते हैं स्विगी जोमेटो ये सब से। तो अच्छा यही है लोड शेयर, यही हमने जाना।